मेरे स्कूल के पास ही ये ऑटो ट्रेनिंग होता था, तो उसी समय में घर में काम हो करके और बेटी लोग को लेने जाते थे, उसी समय ट्रेनिंग भी करते थे उन लोग को लेके, वहाँ पे जाते थे ट्रेनिंग जहाँ पे मैदान में होता था वहाँ पे। तुम कभी सोची थी कि ऑटो चलाएगी? सोचे तो नहीं थे, लेकिन सीखने जाते थे वहीं पे, चलो बच्चा लोग का स्कूल है सीख लेते हैं, कभी काम आएगा कह के। लेकिन देखिए ईश्वर का मर्जी है, निकल गए रोड पे। और अभी कितना कमा लेती है? ज़्यादा तो नहीं, 500-600 हो जाता है, और रिजर्व मारने से, रिजर्व अगर मिलता है तो उससे भी हम लोग को थोड़ा ज़्यादा आमदनी हो जाता है। और अभी तुम्हारा पति क्या करता है, कहाँ रहता है? पति मेरे साथ नहीं रहते हैं। क्यों? पति किसी का मतलब दूसरा ऐसी लड़की से अफेयर है, इसके चलते हम लोग के साथ में वो नहीं रहता है, ना खर्चा देता है, कुछ नहीं देता है। किसी का नहीं है सहारा, बस अपने से ठान लिए हैं मन में कि अपने से करना है और बच्चों को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है, बस एक सोच है। हिम्मत तो नहीं हारना चाहिए, हिम्मत करने से ही हम आगे बढ़े हैं। अगर हम अपने पति के बारे में ही सोचते ना तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पहले बहन लोग ही है, जब हम ऑटो नहीं चलाए थे उस समय ट्रेनिंग कर रहे थे, इसी समय बोली वो लोग कि पता नहीं करेगी कि नहीं करेगी, चलाएगी कि नहीं चलाएगी, टाइम पास करने जाती है। लेकिन वो बात को हम नहीं सोचे और सीखे, और आज देखिए वो सीख के मेरा काम आ रहा है, आज हम अपने परिवार को पाल रहे हैं। अजीब लगता है कि उतना उतना जेंट्स के बीच में हम लोग अकेले पार्किंग करके खड़े हैं देखो करके, लेकिन अपने में गर्व भी लगता है कि चलो वो लोग के साथ हैं तो कोई कुछ नहीं तो करेगा।